विभाजन हुआ। 27 अक्टूबर को सुहृदय भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर पर सावधान महारैली गांधी मैदान पटना में होगी, उसी की तैयारी को लेकर के एक कार्यालय का उद्घाटन आज हो रहा है। भारतीय समाज पार्टी की स्पष्ट चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया, आज़ादी के पहले 1931 में जातिवाद जनगणना हुई, लेकिन उसके बाद 7 दशक बीत गया, जातिवाद जनगणना नहीं। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो पहला तो जातिवार जनगणना, दूसरा हम लोग देश में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा चाहते हैं। कोई भी छात्र पढ़ करके, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े चाहे सरकारी में, अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए वांट करता है तो पेपर एक आता है, तो फिर शिक्षा दो तरह की क्यों? तो शिक्षा एक समान हो, अनिवार्य हो और फ्री शिक्षा हो। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी आज 20 साल से लड़ रही है। हम लोग प्रदेश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले पन्ने पे लिखा है, संविधान के पहले पन्ने पर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान, तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच थी उनके सपनों को साकार करने के लिए जो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबू जगदेव कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, महाराजा सुहेलदेव, इन तमाम महापुरुषों की जो सोच थी उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो रैली जो है ये कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक रहेगी? ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इसका शुभारंभ होगा। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में होते हुए ये आपके बक्सर, आरा होते हुए आपके पटना गांधी मैदान में आकर वो सावधान महारैली में बदल जाएगी। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हर चीज के लिए सरकार से मांग की जाती है लेकिन सरकार उस चीज को पूरा नहीं कर पाती, इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ये नहीं पता है कि धरातल पे हम सत्ता में रहे हैं। जैसे कि अगर बिहार की बात करें तो 8 बार सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी हो गए, 8वीं बार। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, चौहान, राजभर, आरा, करबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, आप पूरे बिहार में खोजिएगा, कहीं थाने पर सिपाही नहीं मिलेगा, दरोगा नहीं मिलेगा। विकास जो आज़ादी के 75 साल में जो विकास की किरण है उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची। उनको ये नहीं मालूम कि शिक्षा क्या चीज़ होती है, रोजगार क्या होता है, नौकरी क्या होती है। अभी तक बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको वोट का अधिकार दिया है, अभी वोट की महत्व को ही नहीं समझते हैं, वोट की कीमत को नहीं समझते कि ये वोट वो चीज़ है, इसी वोट से हम शिक्षा हासिल कर सकते हैं, अपने को फ्री इलाज हासिल कर सकते हैं, इसी वोट से हम रोजगार और नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ें जब उनको जीवन में जब जानकारी होगी तो ये चालाक जो नेता लोग हैं ये उनको जानकारी होने नहीं देना चाहते। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अनुरोध करना चाहिए? देखिए, हम सरकार से क्या अनुरोध करें, सरकार जो वादा किए उस वादे को ही पूरा करें। जो उन्होंने कहा कि जातिवाद जनगणना कराने प्रेस वार्ता करके कहा है, तो पहले वो जातिवाद जनगणना तो करा दें बिहार में ही। उन्होंने वादा किया था हम एक समान शिक्षा देंगे, उसी को कर दें। शराबबंदी किए हैं और घर घर डिलीवरी हो रही है, तो इस पर तो अंकुश लगना चाहिए ना। अगर इन्होंने काम किया है तो इस पर तो अंकुश लगना चाहिए। लेकिन जो मुझे खबरें मिलती हैं तो ऐसी खबरें मिल रही हैं कि घर घर डिलीवरी हो रही है, जो 100 रुपये की शराब थी अब वो 300 में पहुंच रही है। सर, इस पार्टी की अहम मुद्दाएं क्या? देखिए, इस देश में रहने वाले अहिर, गड़ेरी, कुंडी, कोयरी, भर, चमार, मुसार, धोबी, खटी, फांसी, केवट, बिन, मला, चूल्हा, धुनिया, अंसारी, शेख, तैयार, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गोड़, खरवार, भूमिहार, बिहार, आरक, अर्थवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, जितनी जातियाँ हैं जिनको हिस्सा नहीं मिला है उनको हिस्सा मिले। जो देश में व्यवस्था है उस व्यवस्था में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी इनको मिले, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं।